हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लंद्रवती तिमन। केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी जो है वो अब आना स्टार्ट हो जाएंगी सितंबर के माह से। हर जगह से जो है वो वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे जहां से वैकेंसी आई है, केंद्रीय विद्यालय लातेहार। यहां पर कोई भी एग्जाम जो है नहीं आप लोगों का लिया जाएगा, ना ही एप्लीकेशन के वक्त कोई फीस लगेगी। आप लोगों को केवल वॉक इन इंटरव्यू के लिए दिए गए समय और डेट पर पहुंचना है। पीआरटी की वैकेंसी है, टीजीटी की वैकेंसी है, पीजीटी की। तो यहां पर कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी है ये हम नोटिफिकेशन में चेक करेंगे मेन वेबसाइट पर जाकर। सैलरी आप लोगों को पता है काफी अच्छी जो है यहाँ पर मिलती है। पीजीटी के लिए यहाँ पर 26,250 तक जो है सैलरी आपको मिलेगी। कोई एग्जाम या कोई फीस एप्लीकेशन के वक्त आपकी नहीं लगेगी। ये जो है केंद्रीय विद्यालय लातेहार, जो कि मेन वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है, और यही सारी चीजें जो है वो हमें पता लगेंगी कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी है। ये इसकी मेन वेबसाइट है केंद्रीय विद्यालय लातेहार की। यह अनाउंसमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर ही दिया है केंद्रीय विद्यालय लातेहार पीजीटी टीजीटी पीआरटी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एडवर्टीजमेंट। साथ में जिन स्टूडेंट ने बाल वाटिका शिक्षक भर्ती के जो विज्ञापन जारी हुए थे एप्लीकेशन किए हैं, तो लिस्ट जो है वो धीरे धीरे सभी जगहों से आना स्टार्ट हो रही है। कोई आगे आएगी, कोई पीछे आएगी, इस तरीके से जहाँ के लिए आप लोगों ने एप्लीकेशन करा है तो वहाँ की मेन वेबसाइट पर जो है वो डेली आप चेक करते रहें। ठीक है, तो चलिए अब इस एडवर्टीजमेंट को देख लेते हैं जहां पर पीआरटी टीजीटी पीजीटी सभी की वैकेंसी है। यहां पर आप देख सकते हैं कि केंद्रीय विद्यालय लातेहार जगह है, यानी जहां पर आप लोगों को वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है। डेट रहेगी 4 सितंबर सोमवार के दिन, और समय रहेगा 8 से लेकर 10, यानी 8 बजे जो है वो आप लोगों को स्कूल में पहुंच जाना है। यहां पर वैकेंसी है पीजीटी भौतिकी रसायन शास्त्र की, और इसके लिए यहाँ पर कहा है कि 50% अंकों के साथ आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएट स्नातकोत्तर की उपाधि साथ में बीएड आपके पास होना चाहिए। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी के लिए इंग्लिश और मैथ की वैकेंसी है। जो भी स्टूडेंट इंग्लिश और मैथ के लिए यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं केंद्रीय विद्यालय परमानेंट वैकेंसी की, तो बिल्कुल यहाँ पर चले जाएं। 50% अंकों के साथ स्नातक और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड सीटेट पेपर 2, और यहाँ पर कहा है कि इंग्लिश और मैथ के लिए आप एप्लीकेशन करेंगे जिस भी सब्जेक्ट के लिए, तो वो आप लोगों ने स्नातक में ग्रेजुएशन में 3 साल पढ़ा होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षक पीआरटी के लिए न्यूनतम योग्यता 50% अंकों के साथ 12th मांगा गया है, साथ में सीटेट पेपर 1, और भी यहाँ जेबीटी टीएड बीलेड डीलेड, ठीक है, 2 वर्षों की जो डिग्री होती है आप लोगों की वो आपके पास होनी चाहिए। 1 to 5 का सीटेट पेपर 1 जो है यहाँ पर मांगा गया है। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय की ये मेन वेबसाइट है latehar.kvs.ac.in। इसका लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप लोग वहां पर जाकर जो है डायरेक्ट नोटिफिकेशन को देख सकें। उम्मीदवार हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में पढ़ाने में दक्ष होना चाहिए। सभी पदों के लिए उम्मीदवार को कंप्यूटर में कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए, यानी थोड़ा बहुत नॉलेज, बेसिक नॉलेज जो कंप्यूटर की होनी चाहिए। प्रत्यक्ष साक्षात्कार के दौरान नवीनतम फोटो के साथ सभी दस्तावेजों की मूल प्रति जो है वो जरूर लानी है। यहाँ आप लोगों को कोई पोस्ट नहीं करना है एप्लीकेशन को, ना ही आप लोगों को ईमेल के द्वारा भेजना है, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से जो एप्लीकेशन नहीं करनी है। मेन वेबसाइट पर जाकर इस नोटिफिकेशन के नीचे एप्लीकेशन फॉर्म है, उसे डाउनलोड करना है, भरना है, और वॉक इन इंटरव्यू के लिए दिए गए समय पर आप लोगों को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में, उनकी एक फोटोकॉपी के साथ में, साथ में अपना खुद का जो है पासपोर्ट साइज फोटो लेकर पहुंचना है। आयु सीमा यहाँ 18 से 65 वर्ष है। संविदा शिक्षकों का अनुबंध पूर्ण रूप से आवश्यकता अनुसार अंशकालिक होगा। पहले तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही जो है होगा। उनकी नियुक्ति स्थायी शिक्षकों के संवर्ग में नियोजन करने का किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं रखती है। आप सभी जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो वैकेंसी आती है, और जब रेगुलर वैकेंसी आती है, तो सबसे ज़्यादा जो है प्राथमिकता ऐसे जो है टीचर्स को ही दी जाती है जिन्होंने पहले से यहाँ पर काम किया होता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी होती है, यदि आप 2-3 साल का 4 साल का जो है एक्सपीरियंस पहले से ही आपके हाथ में होता है केंद्रीय विद्यालय का, और साथ में जो है यहाँ पर आप लोगों को सैलरी भी काफी अच्छी मिलती है। इसी तरीके से और भी जैसे ही वैकेंसी आती हैं, हर जगह से वैकेंसी सितंबर और अक्टूबर के मंथ में जो है वो आना चालू हो जाती हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।